What's up guys? This is Health Fitness and मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डू पुल अप्स। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कमेंट सेक्शन में, बहुत लोग जिम में जाते हैं, जो लोग बिगिनर होता है उन लोगों को पुल अप नहीं आता है, तो वो लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बार बार बता कमेंट कर रहे हैं कि भैया पुल अप के ऊपर एक वीडियो बनाओ क्योंकि हम लोगों से पुल अप नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स है जिम में नए ज्वाइन किया है, लोगों के लिए मैं कुछ टिप्स लाया हूँ, टिप्स दूंगा कि आप लोग कैसे पुल अप लगा पाओगे अगर ये सब एक्सरसाइज आप लोग फॉलो करते हो। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा वे है जो आप लोग करते हो तो आप लोगों को पुल अप करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है बहुत ही इजी सिंपल है, आप लोगों को चिन अप का जो ग्रिप होता है, पुल अप्स का जो ग्रिप होता है उसको स्ट्रॉन्ग रखते हुए अपने बॉडी को एकदम सीधा हैंग करते हुए लटकना है। आप लोगों को बॉडी को हैंग कर रहे हैं, आप लोग जितना देर तक बॉडी को होल्ड कर सकते हो इससे आप लोगों का शोल्डर फोरआर्म्स एंड रिस्ट का पावर स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड होगा, तो आप लोग धीरे धीरे पुल अप्स लगा पाओगे। तो आप लोगों को पहला जो टारगेट रहेगा वो है बॉडी को ऐसे हैंग रखना होगा जितना देर आप लोग होल्ड कर सकते हो। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट आप लोग करते जाओगे तो पहला जो स्टेप है आप लोगों को बॉडी को ऐसे लटकते हुए रखना है, मतलब होल्ड करके रखना है, तो आप लोगों का शोल्डर फोरआर्म्स और रिस्ट में पावर जनरेट होगा धीमे धीमे, तो आप लोग पुल अप लगा पाओगे। अभी सेकेंड जो वो है पुल अप लगाने का, उसमें आप लोगों को किसी का भी सपोर्ट का जरूरत नहीं है, बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन आप लोगों को ये टूल की सपोर्ट की जरूरत है। तो एक टूल या चेयर आप लोग ले सकते हो, जिम में अवेलेबल रहता ही है, तो आप लोगों को टूल के ऊपर उठना है और नेगेटिव पुल अप लगाना है। बहुत लोगों को पता है नेगेटिव पुल अप क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ, फिर भी आप लोगों को टूल के ऊपर उठ के इसके ऊपर आप लोगों को बॉडी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके जितना हो सके स्लो डाउन होना है, नीचे आना है, फिर से आप लोगों को टूल के ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाना है, उसके बाद फिर से ऊपर से आप लोगों को बॉडी को नीचे डिरेक्शन है, आप लोग जितना चाहे होल्ड करते हो बॉडी को नीचे लाइए, तो फिर से आप लोगों को इस चीज को दोहराना है, आप लोगों को बॉडी को ऊपर होल्ड करते हुए नीचे छोड़ना है। तो ये एक वे जो आप लोगों को पुल अप करने में हेल्प करे क्योंकि इसमें आप लोगों का जो शोल्डर पावर है और शोल्डर स्ट्रेंथ है बिल्ड होता है। डेली लाइफ में एक्सरसाइज के पहले आप लोग ये जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ, आप लोग अगर इंक्लूड करते हो तो एक हफ्ते के अंदर आप लोग पुल अप लगा पाओगे, आई गारंटी। तो अभी थर्ड जो है वो देख लेते हैं। तो थर्ड जो है वो उसमें आप लोगों को एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस बैंड आप लोगों को पुल अप लगाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोगों को फिर से टूल के ऊपर उठ के इसको पुल अप बार में सेट करना है ऐसे, बहुत लोगों का ऐसे राउंडली रेजिस्टेंस बैंड होता है वो भी ऐसे हैंग कर सकते हो आप लोग। तो आप लोगों को रेजिस्टेंस बैंड को अपना जो नीज है उसके नीचे लाना है, ऐसे ऐसे रखना है, उसके बाद आप लोगों को पुल अप बार को ऐसे पकड़ के एक टांग को नीचे ऐसे हैंग कर देना है, उसके बाद आप लोगों को इतने सपोर्ट में ऐसे उठने की कोशिश करना होगा, तो आप लोग इतने सपोर्ट में आपके पुल अप लगा पाओगे इजीली। ये बहुत ही इजी है, जो भी हो ये बहुत ही इजी है एक्सरसाइज, आप लोग अगर इसका हेल्प लेते हो तो आप लोगों का पुल अप लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों का जो मोशन पावर है वो इंक्रीज होगा और आप लोग पुल अप लगा पाओगे। अभी फोर्थ वे आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है। फोर्थ वे है उसमें आप लोग ऐसे स्मिथ मशीन जिम में अवेलेबल होता है, जिम में होता है, बॉडी बिल्डर जिम में होता है, तो आप लोग ऐसे बार को सेट करना पड़ेगा, आप लोगों को इंक्लाइन मोशन आप लोगों का चेस्ट के वर्बल लेवल में रहेगा, तो आप लोगों को ऐसे बार को शोल्डर डिस्टेंस भी पकड़ना है, उसके बाद पैर को आगे करके आप लोगों को बॉडी को इंक्लाइन पोजिशन आके पुल अप लगाना है, ऐसे बार पुल अप। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी है, इसमें आप लोगों को चिन अप लगाने में या पुल अप लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा बॉडी सीधा रहेगा, कोर मसल टाइट रहेगा।
तो ये जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को डेली लाइफ में इंक्लूड करना है और हर एक एक्सरसाइज का आप लोगों को 15 से 20 रिपीटेशन रखना है, तो आप लोग का शोल्डर, रिस्ट एंड फोरआर्म्स का जो स्ट्रेंथ है वो बेस भी होगा और आप लोग इजीली पुलअप लगा पाओगे। तो अभी जो फिफ्थ वे एंड एक्सरसाइज है आप लोग को दिखाता हूँ, वो है हैंगिंग ट्राइंग पुलअप। तो आप लोगों को फिर से ऐसे हैंग करना है बॉडी को और आप लोग को ट्राई करना है कि आप लोग पुलअप लगा पाओ। ऐसे आप लोग को ट्राई करना है बॉडी को ऊपर की तरफ, जितना हो सके आप लोग जितना उठ पाते हो उतना ही आप लोग को ट्राई करते जाना है। ऐसे आप लोग डेली 15 से 20 बार उसका चार सेट लगाना है आप लोगों को डेली। शोल्डर को मूव करना है ऐसे, आप लोग जितना हो सके कोशिश करिए कि जितना ऊपर आप लोग जा सकते हो। तो ये होता है ट्राइंग टू पुल अप, आप लोगों को ऐसे करना है। तो आप लोगों को ऐसे ट्राई करना पड़ेगा हैंग करके बॉडी को कि आप लोग पुल अप लगाने की कोशिश करो। तो ऐसे आप लोगों को ट्राई करते जाना है। उसके बाद आप लोगों को हब चिन अप लगाना है, मतलब जिन लोगों को आता है थोड़ा बहुत और जिन लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हुए करते 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 आप लोग ऐसे चेंज कर दो, आप लोगों को हब पुल अप ऐसे लगाना है, ऐसे हब उठना है। बॉडी को पूरा आप लोग छोड़ नहीं दोगे, ऐसे ऐसे छोड़ना नहीं आप लोगों को, आप लोगों को हब चिन अप लगाना है हब। आप लोगों को ऐसे हाफ चिन अप लगाना है। उसके बाद जो लोग हैंग करते हुए मतलब प्रैक्टिस करते हुए आगे जा रहे हो तो आप लोगों को ऐसे लास्ट में हाफ चिन अप लगाना है। उसके बाद आप लोग एक पुल अप लगा पाओगे एक हफ्ते के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ। तो लास्ट में आप लोग पुल अप लगा पाओगे अगर ये सब एक्सरसाइज आप लोग फॉलो करते हो, ये सब रूल फॉलो करते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्लिक करके या डंबल फेर के मारो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट दिखाओ यार। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो दे दूंगा। और कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, मैं जितना हो सके कोशिश करूँगा आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रखने के लिए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बाय बाय। पता है ना गेम्स।